हेलो 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 हेलो, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। फिर से क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? फ्राइडे नाइट है, यहाँ पे डार्क सीक्रेट्स करने वाले हैं। ऑलरेडी इस वीडियो का 50% जो है मैं दूसरे वीडियो पे कवर कर चुका था, बट देन अगेन साउंड चला गया फॉर सम रीजन एंड मेरा ध्यान चैट रूम की तरफ बिल्कुल नहीं था। आई वॉज कम्प्लीटली इन द फ्लो और रॉकेट को जो फास्टेस्ट घोड़ा हो सकता है वर्ल्ड का वो कैसे लेके दौड़ रहा था रॉकेट को, उसी की तरीके से मैं भी भागे जा रहा था। बट देन अगेन आई रियली वांट टू अपोलोजाइज फॉर द मेसअप दैट हैज बीन हैपनिंग। लास्ट तो हफ्ते में दो बार ही हो चुका है, बट दिस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई कंट्रोल। पहला मेरा माइक गिव अप किया, वो कम्प्लीटली माइक जो है मेरे उस सॉफ्टवेयर से रिकग्नाइज ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद अचानक कैसे साउंड चला गया, आई हैव नो आइडिया। एनीवेज, तो काफी पार्ट आप लोगों ने देख लिया है, बट फॉर द पीपल हु आर गोइंग टू वॉच इट लेटर ऑन, आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग। एंड आप लोगों का पेशेंस, आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा चाहिए मुझे इस चीज में कि आप दोबारा से उस कंटेंट को सुन सको, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज द रीजन वाई मैं उस वीडियो को काट छाट करके या बीच में प्रॉब्लम के साथ नहीं छोड़ना चाहता था यूट्यूब पे। उस वीडियो को मैं प्राइवेट कर दूंगा थोड़ी देर में। तो फिर से वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को पहली बार जुड़े हो तो, और कॉमेंट करके बाद में अपना ओपिनियन जरूर बताना। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू कीप अ क्लोज आई ऑन द चैट रूम ऑल्सो, ताकि इस बार कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई प्रॉब्लम चल रहा है। बात करने आए हैं हम 13 साल की आलटूसी तलवार की, जिसकी लाश मिली थी उसका गला काटने के बाद उसके बेडरूम के अंदर, इंडिया के नोएडा के शहर में, मई 16, 2008। अब अथॉरिटीज जो है इमिजिएटली टर्न अराउंड करती है पेरेंट्स की तरफ आंसर के लिए, क्योंकि सुसाइड जो होता है जनरली वो या तो लटक के होता है या फिर कूद के होता है या फिर डूब के होता है। अपना गला काट के मरने के जो इंसिडेंट्स हैं कभी नहीं देखे गए हैं, दैट इज द रीजन वाई पुलिस जो है इसको होमिसाइड की तरह ट्रीट कर रही थी। अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो टर्न आउट हो जाता है एनीथिंग बट सिंपल, एक कॉम्प्लिकेटेड केस जो कि आप सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी देख रहे हो। इनफैक्ट इतने ज्यादा टर्न्स हैं और इतने ज्यादा बॉचअप्स हैं इस केस के अंदर कि इट मेक्स यू वंडर कि वेदर सुशांत सिंह राजपूत का केस जो भी रिसेंटली हुआ वाज दैट द न्यू एजेंट बेंचमार्क, और दिस इज द बेंचमार्क, या फिर निर्भया केस भी फॉर दैट मैटर वाज द बेंचमार्क, बट आई थिंक दिस कुड बी इजीली ट्रीटेड एज अ बेंचमार्क जहां पे एजेंसीज का बॉचअप था। अब सबसे पहले बात करते हैं पहले सस्पेक्ट की, जिसका नाम आता है वो है 45 ईयर्स ओल्ड हेमराज बंजारे। मेरा स्क्रीन हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ा सा फ्रीज करे, उसका रीजन ये है कि इट्स अ वेरी बेसिक सिस्टम और मैं काफी वीडियोस भी एडिट वगैरह करता हूँ। आज मैंने शाम को भी एक वीडियो एडिट किया है तो उसकी वजह से इट हैज बीन वर्किंग ओवर टाइम, सो प्लीज उसको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से एडजस्ट कर लेना एंड कॉन्टेंट की तरफ ध्यान देना इंस्टेड ऑफ हाउ द वीडियो इज परफॉर्मिंग। तो पहला जो प्राइम सस्पेक्ट था वो था 45 साल का हेमराज बंजारे, जिसको हायर किया गया था राजेश रनुपुर तलवार के घर के अंदर, और सस्पेक्ट वो तब तक था जब तक उसकी बॉडी नहीं मिली, जो कि मिलती है आरुषि तलवार की मौत के अगले दिन उसकी छत के ऊपर पार्शियली डिकम्पोज्ड चैट रूम के अंदर। फिर से मैं उस टाइम पे भूल गया, मैं डॉक्टर अगर कोई है इस टाइम पे चैट रूम में तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक दिन के अंदर बॉडी डिकम्पोज हो सकती है, पार्शली डिकम्पोज हुई, तो एक बार चैट में मुझे वो बता देना। नाउ अब दो मर्डर जो उस टाइम पे था, पहले एक मर्डर था अब हो गए थे जी दो मर्डर, जहाँ पे अथॉरिटीज जो है सिक्योर करती है क्राइम सीन को आरुषि तलवार की मौत के बाद, लेकिन तब तक में बॉचअप होने शुरू हो चुके होते हैं। जो बंगलिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है वो होना शुरू हो चुका होता है, क्योंकि पुलिस जब तक पहुंचती है तब तक घर के अंदर 15-20 लोग पहुंच चुके होते हैं, क्यूरियस पब्लिक जो है वेंचर कर चुकी होती है, और जो सामान जहां पे होना चाहिए सामान को नहीं हटाना चाहिए वो सारा का सारा कुछ हो चुका होता है। नेवर्थलेस जो इन्वेस्टिगेशन है अपने टारगेट को जल्दी ही फाइंड आउट कर लेती है, और वो टारगेट कौन थे? टारगेट थे तलवार पेरेंट्स देमसेल्व्स। अब उसके रीजंस जो है मैं पिछले वीडियो में आपको बता रहा था, जो मैं आपको फिर से रिपीट करके बताऊंगा। डॉक्टर अंशुमन जी कह रहे हैं कि यस डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। ओके, अब जो बॉडी है वाज लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड। 24 मई 1994 को दो डेंटिस्ट जिनका नाम नुपुर तलवार और राजेश तलवार है, उनके यहाँ आरुषि तलवार का जन्म होता है, जो कि स्टूडेंट थी दिल्ली पुलिस पब्लिक की, दिल्ली पब्लिक स्कूल की, नोएडा के सेक्टर 26 में इनका घर, और पेरेंट्स घर पे मौजूद थे जिस टाइम पे इस लड़की की हत्या की जाती है। सुसाइड में इसीलिए यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दिस वॉज एन आउट एंड आउट मर्डर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार जो है मीन वाइल प्रैक्टिस करते हैं एक क्लिनिक के अंदर सेक्टर 27 के अंदर, और फोर्टिस हॉस्पिटल के अंदर राजेश तलवार जो है हेड करते थे डेंटल डिपार्टमेंट को।
अनीता और प्रफुल्ल दुरानी जो क्लोज फ्रेंड्स थे तलवार के, वो नोएडा के क्लिनिक को शेयर करते थे, जैसे मैंने आपको बताया विद द कपल, जहाँ पे राजेश और अनीता जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट लेती थी और प्रफुल्ल और नुपुर जो है वो इवनिंग शिफ्ट लिया करते थे 5 से 7 बजे की, यानी कि एक का पति और एक की पत्नी सुबह और एक का पति और एक की पत्नी शाम को। 6:01 पे 16 मई 2008 को दरवाजे की घंटी बजती है, जो भारतीय जो मेड होती है वो दरवाजे की घंटी बजाती है। हाउसमेट यूजुअली जिसको अंदर हेमराज बंजारे लेके जाता है वो स्ट्रेंजली मिसिंग था एक्शन में, एंड शी रिंग्स द बेल 3 times और उसको आंसर करती है नुपुर। नुपुर ये कहती है कि दरवाजा जो है बाहर से लॉक है, शायद हेमराज दूध लेने के लिए गया होगा, और वो भारती को चाबी फेंकती है, पर भारती ऊपर आके कहती है कि दरवाजा तो बाहर से लैच लगाया हुआ है, इट इज नॉट लॉक्ड पर से चाबी से। यहाँ पे एक स्पेयर की बात कर रहा हूं मैं, जो मैं वीडियो में आगे फिर से रेफर करूंगा, तो आप लोग इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, स्पेयर की वाले पॉइंट को, ठीक है। तब तक मैं यूट्यूब पे एक मैसेज आ गया है उसका भी थोड़ा ठिकाना लगा देते हैं। अब ये जो था अनयूजुअल था, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि आरुषि तलवार के पेरेंट्स जो हैं वो लेट तक सोते थे बिकॉज वो इवनिंग शिफ्ट्स किया करते थे। अब 5 से 7 के शिफ्ट में इंसान कितना थक सकता है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो जीवन के अंदर। बंजारे वॉज द फर्स्ट वन जो सर्वेंट्स को अंदर घुसाता था और घर की देखभाल करता था। गेट जो था एट द एंट्रेंस वो लॉक था फ्रॉम द आउटसाइड। सो नुपुर जो थी, जैसे मैंने बोला, चाबी फेंकती है भारती को, जब मेड ऊपर आती है तो वो नोटिस करती है कि राजेश चाबी जगे हुए हैं। पिछले वीडियो में भी मैं आपको रेफर कर रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि लड़की जो है मर चुकी है, ठीक है। नुपुर उठी है, उसने चाबी फेंकी है, तब तक उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है भारती को कि कुछ उसके घर के अंदर कुछ इंसिडेंट हुआ है, पर भारती जैसे ही ऊपर पहुंचती है घर के अंदर, दोनों के दोनों पेरेंट्स जगे हुए हैं, और उसके घर के अंदर ही घुसते ही नुपुर जो है भारती को गले लगा के रोने लगती है और ये कहती है कि देख हेमराज ने क्या कर दिया। सो इन दोस फ्यू मिनट्स ओनली द होल थिंग कि भारती को मैडम ने बताया कि देख हेमराज ने क्या कर दिया। इट वॉज देन जब भारती सौ आरुषि तलवार को मोशनलेस पूल ऑफ ब्लड के अंदर, जो गर्दन है वो एक कुकरी नाइफ से काट दी गई थी। She rushed to get the neighbors. Medical help मांगी जाती है, पर तब तक मैं obviously लड़की मर चुकी थी, क्योंकि लड़की की मौत जो है रात को 12 से 1 बजे के दरमियान हो चुकी होती है। अब पुलिस की एंट्री होती है 7:15 एंट्री होती है। क्राउड ऑफ 15 पीपल जो है दे हैव बीन कॉल्ड बाय द तलवार, वो घर के अंदर घुस चुके हैं लिविंग रूम के अंदर। 5 लोग जो है तलवार के मास्टर बेडरूम के अंदर घुस चुके हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ क्राइम सीन का टेम्परिंग जो है, जहाँ पे कई लोग घुस के इंटेग्रिटी ऑफ द DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह के, सामान कहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ नहीं रखा हुआ है, किस चीज़ को हटाना है नहीं हटाना है, किसी चीज़ को टच करना है नहीं करना है, वो सारे के सारे जो है चीज़ें खराब हो चुकी है। और ख़राब करने के चक्कर में लेट मी शो यू दैट PDF ऑल्सो, जो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी दिखाया था, आई रेफर टू दैट, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ गया, अभी PDF नहीं मिलेगा मुझे, आई न्यू इट, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होनी थी। एनी वेज, चूंकि आप लोगों ने देखा, एटलीस्ट विल इग्नोर दैट। अब जो पुलिस जो है 7:15 पहुंचती है, DNA वगैरह खराब हो चुका है, 28 फिंगरप्रिंट उठाए जाते हैं, सैंपल्स उठाए जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली स्मर्ज्ड और वो यूजलेस है, पुलिस के लिए किसी काम के नहीं है। ऑडली एनफ राजेश जो है वो पुलिस को ये कहते हैं कि दरवाजा जो है छत का जो कि लॉक्ड है उसको मत खोलो, और पुलिस मान भी जाती है। 16 तारीख को ये इंसिडेंट होता है, पुलिस आती है, अच्छे से क्या उन्होंने देखा नहीं देखा, क्योंकि हमें बाद में पता चलता है कि दरवाजे के ऊपर जो है ब्लड स्टेन्स लगे हुए हैं, स्टेयरकेस पे भी ब्लड स्टेन्स हैं, तो पुलिस को उतना दिखना चाहिए था, दरवाजा खोलना चाहिए था। बट यहाँ पे एक सिविलियन जो है पुलिस को कहता है दरवाजे को मत खोलो, मैं आपको 25,000 रुपये दूंगा अगर आप बंजारे को ट्रैक डाउन कर लेते हो तो, यानी पुलिस को इनाम दिया जा रहा है। अब नैरेटिव ये था कि जो लिविंग सर्वेंट था उसके ऊपर इमीडिएटली अटेंशन जाता है कि उसने कुछ किया होगा। जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बाद में मेंशन करता है कि कितने एक्टिवली तलवार जो है इस पर्टिकुलर थ्योरी को पुश कर रहे थे, विच फ्रेंकली स्पीकिंग अगर आप फर्स्ट इनिशियल डेज में देखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई निर्दोष माँ बाप है, अगर किसी की बेटी का कत्ल हो गया है तो शक अगर जो नौकर गायब है उसी के ऊपर जाएगा। अब राजेश और नुपुर जो है बाद में ये भी क्लेम करते हैं कि उनको कोई साउंड नहीं सुनाई दिया, कोई आवाज नहीं सुनाई दी, ना ब्लजनिंग की ना स्लिटिंग ऑफ थ्रोट की, क्योंकि दरवाजे बंद थे और जो वरी से जो AC थे वो काफी तेज चल रहे थे। नाउ
लेट मी गो हेड एंड शो यू, दिखा देता हूँ यार मैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा है, अंडरस्टैंड दैट, बट आई वॉन्ट टू शो द मर्डर वेपन, क्योंकि जिस इंसान की अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे उसके घर से ये मर्डर वेपन मिला था, एंड पीपल नीड टू नो कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं. सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन. दिस वॉज द मर्डर वेपन जिसको हम रेफर करेंगे, ठीक है जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो अब आ गया है. ये एक मर्डर वेपन है जो पुलिस को बाद में मिला था, ठीक है. जिस रात आरुषि मरती है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. इस मर्डर वेपन को एक बार गौर से देख लो, और स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ मैं बिकॉज सिस्टम मेरा फ्रीज कर रहा है, बट आई हैव शोन यू अ वेपन जिससे मर्डर हुआ था. अब जिस रात को मौत हुई थी आरुषि की उसकी बात करते हैं. आरुषि तलवार जिस दिन मरती है उसका फ्रेंड होता है जिसका एक नाम है अनमोल, वो आरुषि के लैंडलाइन पे फोन करता है करीबन मिडनाइट के आसपास में. जब वो फोन पे नहीं पहुंच पाता तो वो आरुषि को एक मैसेज करता है और वो अनडिलीवर्ड दिखाता है. आरुषि तलवार जनरली लेट नाइट तक जगी रहती थी, या तो इंटरनेट पे लगी रहती थी या मोबाइल पे या दोस्तों के साथ, जो कि हर टीनेजर करता है आज की तारीख में भी. लेकिन उस दिन आरुषि तलवार का फोन जो है 9:10 पर ऑफ चला गया था. अनमोल ने जो मैसेज भेजा था आरुषि को वो भी एक्चुअली में डिलीवर नहीं हुआ था. एंड हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि आरुषि तलवार का फोन बंद है लेकिन इंटरनेट बाद में चालू था, जिसको रात को 3:43 पे बंद किया गया था. उसकी भी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको. Now, अनमोल का जो कॉल था घर पे वो अनआंसर्ड जाता है, तो वो एक मैसेज भेजता है रात को 12:30, जो कि कभी रिसीव नहीं होता क्योंकि फोन जो है ऑलरेडी बंद किया जा चुका होता है. और फोन एक्चुअली में मिलता है नोएडा के सेक्टर ये सदरपुर एरिया में किसी सड़क के पास एक मेड को, जो पुलिस को देती है. और जब उस फोन को चेक किया जाता है तो फोन के अंदर से सारा का सारा डेटा जो है गायब कर दिया जाता है. Now someone, as I said earlier also in the other video, someone comes into the house, kills two people, steals nothing, सिर्फ आरुषि को फोन पे लेके जाता है, उसको वाइप ऑफ करता है क्यों, और उसके बाद माँ बाप को भी नहीं छेड़ता घर के अंदर. सो घर के अंदर उसके दो लोगों को मारने के बाद दो लोगों को ध्यान भी ना देना, ना उनके रूम को लॉक करना, ना कुछ करना, ना घर से कुछ चोरी करना. वेरी वियर्ड स्टोरी. अब CBI का जो क्लोजर रिपोर्ट था वो ये फाइंड आउट करता है कि तलवार अपने घर पहुंच गए थे रात को 9:30 एट द डे ऑफ द मर्डर. अपेरेंटली साथ में खाना खाया. आरुषि का बर्थडे था 24 तारीख को, तो इन्होंने 15 तारीख को उसको एक प्री बर्थडे गिफ्ट दिया, अर्ली बर्थडे प्रेजेंट, एक कैमरा जहाँ पे डिजिटल कैमरा से साथ में कुछ फोटोज भी खींची. और फैमिली जो है रात को 11:00 अपने अपने रूम्स में चली जाती है. एंड दिस वाज द लास्ट टाइम दैट द पेरेंट्स आर सेइंग कि उन्होंने आरुषि को देखा. अब 9:10 पे एक लड़की का, एक बच्ची का फोन बंद होता है. उसके 50 मिनट यानी 9:10 से 10:00 50 मिनट और 11:00 1:50 तक अगर वो लड़की का फोन ऑफ था और वो अपने पेरेंट्स के साथ थी, और जो टीनेजर हमेशा अपने फोन्स के साथ खेलते रहते हैं, अगर वो फोन पे एक्टिव नहीं है, क्या आपके पेरेंट्स ये नोटिस नहीं करेंगे? लेट मी नो इफ यू थिंक आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन करेक्टली. कि ऑलमोस्ट 2 घंटे तक फैमिली के साथ बैठ के वो लड़की अगर कुछ भी काम कर रही थी, फोटोज खींच रही थी कैमरा से या फिर जो भी था, वो फोन नहीं यूज कर रही, तो क्या पेरेंट्स पूछेंगे नहीं तेरा फोन कहाँ है या आज फोन क्यों नहीं? पेरेंट्स टॉन्ट मारते हैं कि आज क्या हुआ, अपने फोन पे नहीं लगी हुई, दोस्तों से बात नहीं करना, एंड ऑल दोस थिंग्स. आरुषि की जो लास्ट फोटो है वो रात को 10:00 ली गई थी. जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसके बारे में चैट में मुझे थम्स अप देके या जैसे भी आपको ओपिनियन एक बार चैट में बताना मुझे. इंपॉर्टेंट लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आरुषि जी को जो बेडरूम है वो रूटीनली लॉक किया जाता था सोने के टाइम पे. अब जो चाबी है यूजुअली नूपुर के नाइट टेबल पे होती थी उसके रूम के अंदर. पर जो मदर है बाद में ये कहती है कि मैं उस दिन दरवाजा लॉक किया कि नहीं किया मुझे याद नहीं है. सो ऑन द डे ऑफ द मर्डर इटसेल्फ शी डज नॉट रिमेम्बर, which is very weird for me, frankly speaking. थोड़ा सा weird है ये मेरे लिए digest करना कि जिस दिन murder हुआ उसी दिन वो का कहानी, उसी दिन का किस्सा उनको याद नहीं है. अब ये important क्यों है? क्योंकि सोने के पहले 11:00 के आसपास राजेश जो है इंटरनेट के ऊपर अपने ईमेल्स और अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक कर रहे थे, और जिसके लिए इंटरनेट यूज करने के लिए उन्होंने आरुषि के राउटर को ऑन करने के लिए बोला था, जिसकी फोटो मैं भी आपको दिखाऊंगा, पूरे घर का मैप दिखाऊंगा मैं आपको कि उसके राउटर को ऑन कर दे. तो नुपुर उनके रूम में जाती है, राउटर को ऑन करती है और बाहर आती है, ठीक है. सो द राउटर इज स्विच्ड ऑन एंड शी कम्स आउट. आरुषि 2 घंटे से फोन यूज नहीं कर रही है.
तो जब 11 बजे वो अंदर जाती हैं तो शी शुड हैव सीन आरुषि, कि आरुषि क्या कर रही थी क्या नहीं, इस बात का भी कोई लेखा जोखा नहीं है। लेकिन कि जब वो रात को उसके रूम में जाती है राउटर ऑन करने के लिए, तो आरुषि उस टाइम पे क्या कर रही थी, क्या वो सो रही थी, क्या वो फोन पे थी, क्या क्या एंड क्या नहीं। देन शी कम्स आउट, रूम की जो चाबी है उसके बाहर ताले में लगी, दरवाजे में उस हैंडल में लगी होती है। हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, अपने ईमेल को 11:57 PM पे लास्ट टाइम चेक करने के बाद, मिडनाइट के अराउंड आसपास लास्ट इंटरनेट एक्टिविटी है घर में, और उसके बाद राजेश जो है सो जाते हैं। बट सरप्राइजिंगली रात को 3:43 पे, 3:43 AM पे राउटर को कोई ऑफ करता है। अब कोई अगर घर के अंदर घुसा है दो लोगों को मारने के लिए तो वो राउटर को ऑफ क्यों करेगा, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है। घर से कोई चोरी नहीं कर रहा, सिर्फ आरुषि के फोन को लेके गया है क्लीन करने के लिए, घर में किसी और का मर्डर नहीं किया, शराब की भी बात करेंगे अभी, उस पर भी फिंगरप्रिंट्स की बात करेंगे, बट राउटर ऑफ करके चला गया। नाउ आरुषि एंड बंजारे आर बिलीव टू हैव बीन किल बिटवीन रात को 12 से 1 बजे के दरमियान, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है जी। अपने आप बंद हुआ होगा राउटर, कैसे बंद हुआ होगा राउटर अपने आप, सचिशा इंटरनेट का कनेक्शन जा सकता है, स्विच ऑफ कैसे हो सकता है? राउटर को बंद करने के लिए पावर बटन होता है जिसको आपको ऑफ करना रहता है। सो अनलेस और अनटिल कोई अघोरी बाबा ने जादू करके उस स्विच को बंद किया था, इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि वो बंद हुआ। नाउ डिस्कवर ये किया गया कि 3:43 AM पे उसको बंद किया गया, एंड हूएवर वॉक्ड इनटू द बेडरूम टू टर्न इट ऑफ, या तो उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि बिस्तर के ऊपर एक खून से लथपथ एक लड़की पड़ी हुई है, और इट वॉज द पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ, कि मर्डर उन्होंने किया था। अब अगले ही दिन जो चाबी है अपार्टमेंट और टेरेस की, वो रिपोर्टेडली नुपुर को मिलती है बंजारे के बेड के पास। मतलब 16 तारीख से 17 तारीख के बीच में अगले दिन मिलती है वो चाबी। अपेरेंटली देर वॉज नो स्पेयर की ऑल्सो, क्योंकि जो कीज थी आरुषि की बेडरूम की वो लिविंग रूम के अंदर थी, एंड देर वॉज नो अदर सेट ऑफ हाउस की, इवन द प्रॉपर्टीज गेट जो है वो लॉक्ड थे आउटसाइड से। क्लियरली समवन एल्स हैड अ स्पेयर सेट, बट हु वी डू नॉट नो। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाती है स्टोरी इन टर्म्स ऑफ जो हायर्ड असिस्टेंट था राजेश तलवार का। राजेश तलवार का जो असिस्टेंट था उसके यहाँ से वो नाइफ मिला था जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। पर जब डॉक्टर्स विजिट करने आए थे तलवार के रेसिडेंस को टू चेक ऑन द डिस्टॉर्टेड पेरेंट्स, उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ ब्लड स्टेन्स हैं जो कि हैंडल ऑफ द टेरेस के डोर के ऊपर हैं, जो कि अभी तक बंद था, यानी 17 तारीख को ही बंद था। और उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वो वहाँ पे स्मजिंग हो रखी थी, और जो ब्लड स्टेन्स जो हैं वो टेरेस ये स्टेयरकेस पे भी दिख रहे थे, जो कि 16 तारीख को दिल्ली पुलिस जो आई थी हमारी वो फॉर सम रीजन नहीं देख पाई थी, या देख के अनसुना कर गई थी, और दरवाजा ऊपर खोलने की बजाय घर वालों से ये सुन के चली गई थी कि आप बंजारे को ढूंढ लो, हम आपको 25,000 रुपए का इनाम देंगे। व्हाट दे शुड हैव डन इज दे शुड हैव इमीडिएटली नॉक्ड द डोर डाउन। यूट्यूब का मैसेज आ गया, लेट मी टेक केयर ऑफ दैट, एक सेकेंड ना गाइस, एक सेकेंड ना। YouTube को मेरे से बड़ा प्यार है, आपको पता ही है जिंदगी की विडंबना ऐसी जाने कैसी। जितने भी लोग भाई चैट रूम के अंदर देख रहे हो, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ठोक देना, दैट इज द लीस्ट वी कैन डू। हु हैड द स्पेयर सेट ऑफ कीज, वी डू नॉट नो रीवा जी, एंड रीवा जी इट्स गुड टू सी यू इन द चैट रूम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लवीना यू ऑल्सो, एंड जेंडो यू ऑल्सो, क्वाइट अ फ्यू पीपल जो काफी टाइम से रेगुलर नहीं आ रहे, गुड टू सी यू, अप्रिशिएट यू कमिंग एंड जॉइनिंग अस यहाँ पे समय देने के लिए। अब जैसे मैंने डॉक्टर्स को बताया ब्लड स्टेन्स वगैरह दिखाई थी, राजेश जी से पूछा गया कि जो टेरेस की कीज हैं वो कहाँ हैं, तो वो उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इंस्टेड वो अपने रूम में चले जाते हैं। अपने रूम में चले जाते हैं, पूरे दिन रूम के अंदर रहते हैं, पुलिस नहीं ढूंढ पाती। अगले दिन जब फॉलोइंग डे 17 तारीख को बॉडी बरामद होती है, तो जो टेलीफोनिक लूप है फ्रॉम द डे बिफोर दिस इंसिडेंट हैपेंड रिपीटेडली 9 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में, अब 9 से 10 के बीच में एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब ये 9 से 10 के बीच में बॉडी मिली थी तो जर्नलिस्ट लोग आते हैं, ठीक है, टेरेस खोला जाता है, बॉडी मिलती है, सारी की सारी कहानी होती है। 17 तारीख को पुलिस कहती है कि ये जो मिसिंग इंसान था ये तो यहाँ पे मरा हुआ पड़ा है, और बॉडी जो है डिकम्पोज होने शुरू हो गई है। अब जो एविडेंस थे दोनों के दोनों बॉडी से, वो चीख चीख के कह रहे थे कि कुछ सस्पिशियस हुआ था, लेकिन हमारी दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है। और जो इंस्टीट्यूशनल फेलियर है हमारी एजेंसीज का, वो बहुत बड़ा किस्सा है इस पर्टिकुलर केस का, क्योंकि आज तक नहीं पता एक सिंपल सा सवाल पूरे हिंदुस्तान को, हु किल्ड आरुषि तलवार। ठीक है, माँ बाप ने नहीं मारा, हेमराज ने नहीं मारा था, असिस्टेंट ने नहीं मारा, बाकी दो ने नहीं मारा जिनके नाम को बताऊंगा अभी, किसने मारा?
देयर वर एविडेंस कि दोनों को दोनों डेड बॉडीज जो हैं उनको अपार्टमेंट में मूव किया गया था. ठीक है जी, जो नया नैरेटिव था वो ये था कि बंजारे जो है उसको ड्रैग किया गया था टू द टेरेस इन अ बेडशीट, और जो टेरेस का दरवाजा है उसको लॉक किया गया, और जो किलर है घर के अंदर फिर से घुसता है और विस्की पीता है. जो लिकर कैबिनेट है, मैं जैसे मैंने कहा मैं आपको मैप दिखाऊंगा, अभी तो वीडियो देखते रहना, मैप दिखाऊंगा घर का, आपको पूरा कंस्ट्रक्शन समझ में आएगा. जो लिकर कैबिनेट है वो छुपा हुआ था एक वुडन पैनल के पीछे. तो समवन इनसाइड द हाउस, असिस्टेंट, नौकर, मेड, इनको पता था कि वहां पे दारू है. एक बॉटल विस्की की जो कि किचन की टेबल पे थी वो पाई गई थी, जिसके ऊपर दोनों के ब्लड स्टेन्स पाए गए थे. लेकिन पुलिस जो है उससे भी सैंपल नहीं ले पाई दोनों ब्लड सैंपल्स होने के बावजूद. अब क्राइम सीन जो है ड्रेस्ड अप दिखाया गया था क्योंकि एविडेंस स्क्रब ऑफ कर दिए गए थे जो कि पॉइंट कर रहे थे तलवाज की तरफ. तलवाज ने अपने सर्वेंट्स को बोल के क्लीन करवा दिया था सबको, झाड़ू पोछा बर्तन जिसको कहते हैं ना, रंगा रोगन करवा दिया कि बेटी आज मरी है, चलो घर की सफाई कर देते हैं इसी बहाने से. मीनवाइल फोन रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं शाम के 3 बजे से लेकर 6 बजे तक के 16 मई के, जब राजेश का जो बड़ा भाई है दिनेश और उनकी जो फैमिली फ्रेंड है सुशील चौधरी, एक रिटायर्ड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के गौतम एंड समवन विद एन अनआइडेंटिफाइड नंबर, वो सारे के सारे बात करना शुरू करते हैं. 3 से 6 के बीच में करीबन 6 बार इनके बीच में कॉन्वर्सेशन होता है. दिनेश चौधरी को फोन करता है जो फिर गौतम को फोन करता है, गौतम जो है फिर एक अनआइडेंटिफाइड नंबर को फोन करता है जहां पे इनकी कॉन्वर्सेशन होती है 6 बारी. अब सीबीआई का जो सीबीआई का ये कहना है बाद में कि जो कम्युनिकेशंस हैं ये एक शायद एक अटेम्प्ट थे बाय द फैमिली कि अपने कनेक्शंस को यूज करके वो गौतम के थ्रू इरेज करवा सके रेफरेंसेस ऑफ रेप के जो कि ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर आ सकते थे. जो थ्योरी है वो ये जा रही थी उस टाइम पे कि राजेश मे हैव कॉट हिज डॉटर हैविंग सेक्स, या तो कंसेंशुअल या फिर फोर्स्ड, और उसी गुस्से के अंदर उन्होंने बंजारे और अपनी बेटी का खत्म कर दिया. एंड ही डिड नॉट वॉन्ट एनी रेफरेंसेज, एनी सबूत ऑफ इंटरकोर्स जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आती है. नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैट रूम के अंदर भी बाद में अगर आप वीडियो पे कमेंट करो तब भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि वी आर टॉकिंग अबाउट एक 14 साल की बच्ची के बारे में. सो व्हाटएवर द सेक्सुअल इन्फॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द मीडिया, सिर्फ उसको उतने तक ही रेफर करेंगे बट उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करेंगे इन टर्म्स ऑफ द सेक्सुअल पॉइंट कि वॉज शी सेक्सुअली एक्टिव और नॉट, या फिर जबरदस्ती किया गया था कि नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग वी कैन नॉट बी द जज जूरी एंड एग्जीक्यूशनर. वो मेरे ख्याल में जो इंक्वायरी हुई वही हुई. अब दोबारा अगर कभी केस रीओपन हुआ विच मे हैपन मे नॉट हैपन, मैं बस यही कह रहा हूँ कि थोड़ा सेंसिटिव रहना भाई, और मतलब बाकी आपकी मर्जी है. नाउ इस पॉइंट पे विद बंजारे डिस्कवर्ड डेथ फिर से जो है सस्पेक्ट हो जाते हैं तलवार. दे न्यू कि लेकर का कैबिनेट कहाँ पर है, दे न्यू कि घर की चाबी कहाँ पर है. दे वर इन द हाउस जब मर्डर होता है राजेश जो है उसके बाद 16 मई को मर्डर होता है, 23 मई को राजेश को अरेस्ट कर लिया जाता है. अब जैसे कि मैंने बताया इनिशियल थ्योरी जो थी, जो एक एक्सपर्ट ने ये बोली थी जिन्होंने फर्स्ट इंस्पेक्ट किया था क्राइम सीन को, उन्होंने ये बोला था कि जो किलिंग्स है वो की गई थी किसी ऐसे इंसान के द्वारा जो घर में काफी क्लोज इंसान था और आरुषि को भी जानता था. एविडेंस थे ये कि शी हैज हैड सेक्स और उसके वजाइना को पेनिट्रेट किया गया था और सब्सिक्वेंटली क्लीन किया गया था किसी के द्वारा, बट देयर वाज नो सीमन फाउंड. हैविंग सेड दैट, नाउ लेट मी शो यू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड लेट मी शो यू घर का मैप जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि घर के मैप को समझना जरूरी है कि घर के अंदर मूवमेंट कैसे हुई होगी. तो मैप ये रहा. ठीक है जी, तो थोड़ा जूम भी कर देता हूँ. यह है एंट्रेंस घर का. ठीक है, तो दो आउटर मोस्ट गेट जो कि पुश करने पे खुलता था, यहाँ पे मिडिल में ग्रिल का डोर है. ठीक है जी, और ये अंदर एक वुडन डोर है. तो बेसिकली 3 दरवाजे घर में घुसने के. यहाँ पे हेमराज के रूम का दरवाजा है, यहाँ पे हेमराज के रूम का दरवाजा है दूसरा, और यहाँ पे जो ड्राइंग रूम है यहाँ पे किचन है जहाँ पे आप मेरा माउस देख रहे हो इस टाइम पे. ये रहा किचन जहाँ पे विस्की की बॉटल मिली थी, जहाँ पे ब्लड स्टेन्स थे आरुषि के और हेमराज के. और यहाँ पे बाहर आपको एक वुडन पैनल के पीछे छिपी हुई लिकर का बार था. ठीक है जी, ये रहा आरुषि का रूम जहाँ पे इंटरनेट का राउटर यहाँ था. तो अगर आरुषि का बेड यहाँ पे था, समवन वुड हैव टू, ये रहा दरवाजा, किसी को यहाँ से घुसने की जरूरत थी और यहाँ तक आने की जरूरत थी उसके राउटर को
आप देख पा रहे हो ना मेरे माउस को, अगर आप मूव इन करते हुए देख पा रहे हो तो एक बार मुझे चैट रूम में थम्स अप दे देना कि यहाँ पे आके राउटर को बंद करने की जरूरत थी, और यहाँ पे अंदर घुसते ही बेड के ऊपर अरुषि दिखाई दी होगी मरी हुई, या तो आप मरे हुए इंसान को देखोगे क्योंकि ऑब्वियसली घर का कोई इंसान ही घुसा होगा उस राउटर को बंद करने के लिए, या तो उस बॉडी को देखोगे या फिर आप अंदर घुस के उसको मारने के लिए ही गए थे, दैट इज व्हाट द सिनेरियो कुड बी। ठीक है जी, अब ये जो है यहाँ पे ये जो लोकेशन है राजेश नुपुर का बेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये इनका दरवाजा है यहाँ पे, जो आरुषि की माँ का जो बेड है जो वो इस साइड सोती थी, यहाँ पे आरुषि के रूम की चाबी रहती थी, आरुषि के रूम का दरवाजा ये रहा। नाउ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे चाबी रहती थी और लड़की यहाँ पे सोती है तो इसके रूम को लॉक करने की क्या जरूरत थी हर रात को? हर रात को आरुषि तलवार का रूम जो है किस लिए लॉक किया जाता था? ये सवाल मैं फिर से पूछ रहा हूं आप लोगों से, किस लिए बंद किया जाता था? अब जो फोन कॉल्स हैं वो ये सजेस्ट करते हैं, पुलिस ने सस्पेक्ट किया कि राजेश तलवार जो है अपने लिव इन सर्वेंट और डॉटर को सेक्सुअल एक्टिविटी में देख लेते हैं और बेटी को मार देते हैं ऑनर किलिंग के चक्कर में, बिकॉज बंजारे किल्ड हर और दे हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप। फिर थ्योरी ये भी है कि राजेश का खुद का एक्सट्रामैरिटल अफेयर चल रहा था जिसके बारे में आरुषि को पता चल गया था और बंजारे को पता चल गया था, और बंजारे उनको ब्लैकमेल कर रहा था ना, बंजारे ब्लैकमेल कर रहा था और मे बी उसमें उन्होंने उसको मार दिया, कुड बी अ पॉसिबिलिटी। पर बेटी को क्यों मारेंगे अगर बेटी को ये पता भी चल गया कि बाप का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है? इट सीम्स वेरी अनलाइकली कि वो सिनारियो रहा होगा कि बेटी को एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर पता चल गया। अब ये जो एलिगेशंस हैं ये लाइकली नहीं लिए गए तलवार फैमिली के द्वारा, और उन्होंने ये बोला कि पुलिस जो है बॉश्ड अप इन्वेस्टिगेशन की वजह से, क्योंकि वो किलर्स को नहीं ढूंढ पा रही है एंड फ्रेंकली स्पीकिंग आज तक नहीं ढूंढ पाई है, दे आर ट्राइंग टू फ्रेम देम। अब व्हाट सीम्ड क्लियर टू द सीबीआई फ्रॉम द आउटसेट वाज कि ये एक इनसाइड जॉब था, जिसने भी आरुषि और बंजारे को मारा दे हैड एक्सेस टू द होम, एंड देयर वाज नो साइन ऑफ फोर्स्ड एंट्री, देयर वाज नो साइन ऑफ लॉक्स बीइंग ब्रोकन, देयर वाज नो साइंस ऑफ रॉबरी। जो सीबीआई का इंटरोगेशन था तीन सस्पेक्ट्स का, उनसे ये पता चलता है कि आरुषि वाज किल्ड आफ्टर अ फेल्ड सेक्सुअल असॉल्ट एंड बंजारे फेल विक्टिम टू दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट। सो इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि समवन केम इनटू द हाउस, समवन ट्राइड टू रेप आरुषि, मे बी बंजारे ट्राइड टू हेल्प हिम हेल्प हर एंड ट्राई टू सेव हर, और उसी कश्मकश के अंदर इन दोनों को अपनी मौत इनकी मौत हुई। कुड दैट बी अ पॉसिबिलिटी? एक बार ये चैट रूम में बताना मुझे। बट वो होने का सिनेरियो मतलब है घर के अंदर बहुत ज्यादा हाथापाई होना और इतनी आवाज तो होना कि भाई माँ बाप जो सोए हुए इतनी गहरी नहीं, इनके अंदर शराब पी गया कौन सा नशा करके कोई भी उठ जाए, इतनी हाथापाई तो फिर होती है अगर ऐसा सिनारियो होता तो। ठीक है जी, नाउ बिकॉज ऑफ द अनएथिकल इंटरोगेशन कंडक्टेड टू अराइव एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इन तीनों को छोड़ दिया जाता है। अब राजेश जी का जो असिस्टेंट था थडराई, उसके घर से मिलता है ये नाइफ जिसके ऊपर ब्लड थे, आरुषि के ब्लड स्टेन्स थे, और अगर ब्लड स्टेन्स मिले यानी कि मर्डर वेपन मिल गया आपको किसी के घर पे, तो हाउ डज इट मैटर कि कितना टॉर्चर किया गया था इन्फॉर्मेशन लेने के लिए? आई डो नॉट नो कि कानून इस चीज के बारे में क्या बोलता है, बट अगेन अगर ब्लड मर्डर वेपन मिल गया है किसी के घर से, सो इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। हाउ एवर वॉट कन्फ्यूज एवरीवन वाज व्हाई द किलर जो है वो बंजारे को टेरेस के ऊपर छोड़ेगा रॉक करने के लिए, पर्टिकुलरली इफ दोज रिस्पॉन्सिबल लिव देयर, यानी कि पेरेंट्स। दूसरी थ्योरी जो सीबीआई ने बोली वो ये थी कि बॉडी को छिपाया गया था इन ऑर्डर टू डिस्पोज इट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ आरुषि का मर्डर, कि जब आरुषि का केस के बारे में इंक्वायरी करके पुलिस चली जाएगी उसके बाद इस बॉडी को यहाँ से हटा जाएंगे, जब मीडिया अटेंशन नहीं होगा और जो लोग घर से आजू बाजू में नजर नहीं रखेंगे, लेकिन चूंकि पकड़े गए तो फिर पकड़े गए। अब इनफ एविडेंस नहीं थे क्योंकि जो क्राइम सीन था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली टेम्पर कर दिया गया था, और सीबीआई जो है ये सस्पेक्ट करने लगी फिर से कि भाई तलवार के पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। 2010 में जो सीबीआई है वो अपना हैंडओवर करती है इन्वेस्टिगेशन ओवर टू अनदर टीम जो रेकमेंड करती है क्लोजिंग द केस। हाउएवर जो राजेश जी का नाम है वो इकलौता नाम आता है एज अ प्राइम सस्पेक्ट, एंड इवन दो वाइल रिफ्यूजिंग टू चार्ज हिम क्योंकि कोई एक्चुअल प्रूफ नहीं था, ये बोला गया कि ही इज द क्रेडिबल सस्पेक्ट। जो तलवार फैमिली है वो अपोज करती है इस एक्विजिशन को, पर कोई अवेल नहीं होता क्योंकि ब्यूरो जो है री इन्वेस्टिगेशन करता है केस की 2011 के अंदर, और डेजिग्नेटेड
कर देता है राजेश और नुपुर को एज द प्राइमरी सस्पेक्ट। और जब सीबीआई चेंज करता है अपना स्टेटस ऑफ द क्लोजर रिपोर्ट अपनी चार्जशीट के अंदर इन फरवरी 2011, जो तलवार जो है पिटिशन करते हैं अलाहाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, बट वो जो है प्ली जो है फेल कर जाती है और उसके बाद वो केस जो है ट्रायल कोर्ट के अंदर जाता है। अब जो ट्रायल होता है तलवार का वो शुरू होता है मई 11, 2013 को, ठीक है, यानी 5 साल बाद, और कंक्लूड करता है विद अ गिल्टी वर्डिक्ट दोनों डिफेंडेंट्स को नवंबर 15, 2013 को, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 8 महीने के अंदर उनको जेल हो जाती है। एनडीटीवी का उस टाइम पे एक रिपोर्ट आया था जो ये कहता है कि प्रोसिक्यूशन जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया फॉर द मर्डर ऑफ द आरुषि का मर्डर, और ये बोला कि ऑन द नाइट ऑफ द मर्डर राजेश ने एक आवाज सुनी एंड अज्यूम दैट इट हैड कम फ्रॉम बंजारे का रूम। इनको कोई मिलता नहीं है वहां पे, तो वो एक गोल्फ क्लब उठाते हैं बंजारे के रूम से बिफोर एंटरिंग आरुषि का रूम, और वहां पे ये देखते हैं दोनों को इन द सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है जी। तो गोल्फ क्लब उठाते हुए पंजारे के रूम में जाते हैं, वहां कोई मिलता नहीं है, फिर आरुषि के रूम में जाते हैं, वहां पर ऐसा सिनारियो दिखता है, और उसके बाद 45 साल के सर्वेंट को उसके सर के ऊपर मारते हैं, और जब उसको दोबारा मारने की कोशिश करते हैं तो बंजारे मूव कर देता है, जहां पे एक्सीडेंटली वो अपनी बेटी के ऊपर हमला कर देते हैं। तो द सेकेंड अटेम्प्ट जो है बेटी के सर पे लगता है, बट उस टाइम पर नुपुर जो है वो उठ जाती है, रूम से बाहर निकलती है, और उस तब तक उस टाइम तक बंजारे और आरुषि जो है ऑलमोस्ट मर चुके होते हैं। जो इंजरी थी हेमराज को, वो इंजरी की वजह से वो बिस्तर से गिर जाता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर उस टाइम पे जो थी एजीएल कॉल, उनका कहना है ये, दे बोथ चेक कि आरुषि का पल्स क्या है, और उनको लगता है कि दे बोथ आर नियर डेड विच स्केयर देम एंड दे डिसाइडेड टू किल हेमराज, ताकि किसी को इस इंसिडेंट के बारे में पता ना चल सके। जो ये कपल है वो रियलाइज करता है कि अब उनको एक फैब्रिकेशन करना पड़ेगा सिनारियो का इन ऑर्डर टू गेट अवे विद द डबल मर्डर ऑफ देयर डॉटर आरुषि तलवार एंड देयर सर्वेंट। सो दे रैप्ड बंजारे का बॉडी, उसको टेरिस पे लेके जाते हैं कि बाद में इसकी लाश को ठिकाने लगाएंगे, और अपनी बेटी के गले को स्लिट कर देते हैं और डिसाइड कर देते हैं कि उसकी वजाइना को क्लियर कर दिया जाए, और वहां पे उसकी वजाइना को क्लीन करते हैं क्योंकि सीमन का कोई साइन नहीं मिलता, बट जैसे कि मैंने वीडियो में पहले बताया एक्सपर्ट्स कंफर्म्ड कि साइंस ऑफ पेनिट्रेशन वर देयर बिकॉज शी वाज अ 14 ईयर ओल्ड गर्ल। अब राजेश और नुपुर उसके बाद क्राइम सीन को क्लीन करते हैं, ब्लड स्टेन ऑन द फ्लोर, कोई भी स्टेन क्लोदिंग जहां पे भी उनको दिखाई देता है, जो भी टेंटेड वायलेंट एक्ट का सबूत था उसको डिस्पोज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद दोनों घर से निकलते हैं, लॉक करते हैं गेट को फ्रॉम द आउटसाइड, और एंटर करते हैं रेसिडेंस से फ्रॉम बंजारे का रूम टू फूल द अथॉरिटीज। ये नोटिस किया आपने जो मैप मैंने आपको दिखाया, एक दरवाजा था बंजारे के रूम में एंट्री है, फिर घर के दो दरवाजे हैं घर के अंदर एंट्री है, रूम के अंदर से एक और दरवाजा है जो घर के अंदर खुलता है। तो बेसिकली इन्होंने बाहर से दरवाजा बंद किया, हेमराज के रूम से अंदर घुसे और उसके बाद ये लोग घर के अंदर घुस गए, एंड दैट इज हाउ घर के बाहर का जो दरवाजा है के अंदर जो लैश लगा हुआ था जो मैंने आपको मैप दिखा के समझाने की कोशिश करी। समझ रहे हो विनोद? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा कि मैप किस लिए दिखाया था मैंने? दैट वाज द रीजन कि मैप दिखाया था। अब नवंबर 2013 को आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रायल एंड लीगल प्रोसीडिंग्स राजेश तलवार और नुपुर तलवार को लाइफ इन प्रिजन की सजा हो जाती है। जो डिसीजन है हेविली क्रिटिक किया जाता है एंड बीइंग फाउंडेड ऑन सर्कमस्टेंशियल एंड अनकन्विंसिंग एविडेंस, और तलवार जो है दे इवन टुक देयर अपील टू द अलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है जी। अब क्या नाम है इसका, सर्कमस्टेंशियल। इस वीडियो को मैं दो पार्ट में एज इट इज करने की सोच रहा था। अगर आपको लगता है कि एक वीडियो आप और चाहोगे मेरे चैनल के ऊपर जहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है और कॉन्क्रीट एविडेंस क्या होता है स्पेशली इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर केस, तो मुझे बताना, मे बी आई कैन मेक वन मोर वीडियो ताकि आपको वो डिफरेंस भी समझा सकूँ, ओनली इफ यू गाइज वॉन्ट टू सी, प्रोवाइडेड यू वॉन्ट टू सी, ठीक है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई स्टाइल भाई बनाओ बनाओ बनाओ, देखोगे तभी बनाएंगे। अलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सीबीआई के डिसीजन को, सीबीआई कोर्ट के जजमेंट को 2017 में ओवरटर्न कर देता है ड्यू टू द लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस, ठीक है जी। डायरेक्ट एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस,
डायरेक्ट एविडेंस, ये वो दो चीजें हैं जो इस केस के अंदर बहुत मायने रखती है। आई कैन मेक वन मोर वीडियो यूनिट, मैं आज की वीडियो में इंक्लूड करने वाला था, बहुत लंबा हो जाएगा, तो चूंकि आई कैन सी अ लॉट ऑफ थम्स अप, सो लेट मी नो अगर कल रात को आप वो देखना चाहोगे, क्योंकि संडे मॉर्निंग को हम लाइव करने वाले हैं। अच्छे से, अच्छा वो याद दिला दिया, संडे मॉर्निंग 11 बजे इस चैनल के ऊपर, कल मैं अनाउंस कर दूंगा, एक बहुत अमेजिंग गेस्ट आने वाले हैं इंडिया के मरीन से, he was part of marine, हमारे नेवी के पार्ट थे, तो क्या संडे को 11 बजे लाइव होने वाला है वो, क्योंकि सर जैसे ही अवेलेबल होते हैं उस हिसाब से करना पड़ता है, तो वो अनाउंसमेंट मैं कल करूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है स्टाइल रग, आप टेलीग्राम पर जाके उस चैनल का पार्ट बन सकते हो। स्टाइल रग ग्रुप जो है वहाँ पे आप हमसे जो दूसरा ग्रुप है उसमें जुड़ के चैट भी कर सकते हो, टू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि सीबीआई के कोर्ट के जजमेंट को लैक ऑफ डायरेक्ट एविडेंस की वजह से ओवरटर्न किया जाता है, कोई आई विटनेस नहीं थे जज ने बोला, और सीबीआई जो है वो फेल कर देता है कोई भी स्ट्रॉन्ग मोटिव प्रोवाइड करने का उनके ओपिनियन में। जज ने ये भी नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवियसली एस्टेब्लिश किया था कि देयर इज, इफ देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस, रीजनेबल डाउट शुड ओवरराइड सस्पिशन। 4 साल लगे थे, बट द पेरेंट्स जो है दे फाइनली डिड मैनेज टू गेट एक्विटेड ऑन अक्टूबर 12, 2017, और तब से वो बाहर घूम रहे हैं। केस जो है आज अनसॉल्वड है। इंस्टीट्यूशनल फेलियर किसको बोला जाता है, जहां पे एक इंस्टीट्यूशन, जहां पे उसमें काम करने वाले, जहां पे आपका जुडिशियल सिस्टम भी जस्टिस देने में फेल हो गया हो। सरप्राइजिंग चीज लेकिन ये है, नोवेयर इन द लास्ट फाइव इयर्स हैव आई हर्ड इवन द पेरेंट्स से हु किल्ड आरुषि तलवार। देयर इज अ क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आंसर्ड बाय दिल्ली पुलिस, that needs to be answered by CBI court, that needs to be answered by the attorney generals, and it needs to be answered by the Supreme Court, ki theek hai, you have acquitted the parents, but who killed Arushi Talwar? No one knows it. Circumstantial evidence parents ki taraf nishana dalta hai, yes. उसके अलावा एज सच कुछ दिखाई नहीं देता मुझे। आपको क्या दिखता है आप मुझे चैट रूम के अंदर तो आपने बता ही दिया है काफी कुछ, आप कमेंट के अंदर भी जरूर बताना। आई कैन सी ऑलमोस्ट 250 पीपल वॉचिंग राइट नाउ, आई डोंट नो कितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है, 118 पीपल हैव लाइक, बाकी 120 लोगों ने जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक करना, और 250 लोग जो देख रहे हो, अगर 250 लोग कमेंट करोगे तो क्या चला जाएगा आपकी पॉकेट से, ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ आज फ्राइडे रात को, तो एक कॉमेंट छोड़ के जरूर बताना व्हाट डू यू थिंक हु किल्ड आरुषि तलवार। और कल रात को इस चैनल के ऊपर जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वाला है, हो सकता है मैं शाम को करूं, क्योंकि कल रात को मेरे होम टाउन से पहला वीडियो, मेरे लाइफ का पहला वीडियो इस होम टाउन से इस चैनल के ऊपर कल रात को 10 बजे रिलीज करूंगा मैं, तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट दिखाना, मेरे घर के आसपास की चीज़ें क्या है, मेरे बचपन के कुछ यादें वाले कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं जो मैं कल आप लोगों को दिखाऊंगा, और मेरे स्कूल टाइम का एक बहुत बड़ा क्रश हुआ करता था उसकी स्टोरी भी बताऊंगा उस पर्टिकुलर वीडियो में जो कल रात को 10 बजे निकालूंगा मैं। पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है और डायरेक्ट एविडेंसेस जो है उसकी वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल शाम को या फिर ट्यूसडे को करेंगे, क्योंकि कल परसों जो है मरीन के गेस्ट आ रहे हैं, और मंडे को शाम को 5 बजे मोस्ट प्रोबेबली अभिजीत अय्यर मित्रा फिर से इस चैनल के ऊपर आने वाले हैं। बाकी आप लोगों से बात करेंगे कल, ध्यान रखना, आज समय देने के लिए धन्यवाद। अगेन पहली बार जुड़े हो भाई तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लेकिन करना तभी जब सपोर्ट कर पाओ और रेगुलर वीडियो देख पाओ, और एटलीस्ट सपोर्ट उस लाइक शेयर करके कर पाओ, बेसिकली मेहनत जैसे हम कर रहे हैं वैसे आप भी मेहनत करो। अपना ध्यान रखना, आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो, जय श्री राम, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।